हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला एसर कंपनी की ओर से आने वाली है एसर EK220Q एलईडी मॉनिटर के बारे में, जो कि 21.5 इंच की देखने को मिल जाती है, जिसे मैं लास्ट 3-4 मंथ से यूज कर रहा हूँ। 3-4 मंथ बाद में इसका क्या कंडीशन है, क्या है, प्रॉपरली वर्क कर रही है भी कि नहीं, क्या मुझे इसके अंदर कुछ इशू देखने को मिला या फिर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला, या फिर इसका डिस्प्ले का क्वालिटी बेहतर है भी कि नहीं, या फिर आई कंफर्ट है भी कि नहीं, आई में जो कि स्ट्रेन या फिर हेडेक जैसा देखने को मिलता है, इसके अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर फोटोशॉप कर सकते हो भी कि नहीं, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ 75 हर्ट्ज इसके अंदर देखने को मिलता है भी कि नहीं। तो आप भी सोचोगे अच्छे से एलईडी मॉनिटर परचेस करने के लिए, आपका बजट अराउंड 5,000 रुपीज के करीब है, तो ये मैंने अमेजोन से परचेस की 5,299 के। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम ही एलईडी मॉनिटर कोई 6,500 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जब मैंने परचेस की ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6-6 मंथ में हमारे इस टाइप के एलईडी मॉनिटर अपडेट होते रहते हैं, जो लेटेस्ट वाली रहेगी उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो कंप्लीट आपको ये प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल बहुत ही प्रीमियम यूज किया गया। इसका स्टैंड की बात करें, ये भी आपको कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलेगा। इधर आपको एसर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और मैंने प्लास्टिक अभी तक रिमूव नहीं किया हुआ है, कुछ इस टाइप का आपको प्लास्टिक में रैप होकर आएगा, तो डस्ट वगैरह अंदर ना जाए, और ये लंबे टाइम तक, जैसे कि आपको भी रिमूव नहीं करना, तो आप रिमूव मत कीजिए प्लास्टिक, इसके बाद में आप रीसेल करोगे तो आपको एक अच्छा वैल्यू मिल जाएगा रिटर्न में। पतले बेजल आपको देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू ये प्राइस रेंज में, इतने मोटे मोटे बेजल साइड में आते हैं, इसके अंदर आपको काफी ज्यादा पतले बेजल, और ऊपर से ये 21.5 इंच की डिस्प्ले कंप्लीट आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ VA पैनल है, पर ये थोड़ा भी लगता नहीं कि ये VA पैनल है, फुल IPS पैनल जैसा आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी वीडियो वगैरह आप इसके अंदर प्ले कर रहे हो तो एकदम मतलब बहुत ही क्लियरिटी एकदम अच्छी रहती है। और ये मैंने VGA से कनेक्ट किया हुआ है, और आपके कंप्यूटर के अंदर HDMI से कनेक्ट करो, ग्राफिक कार्ड है, तो आपको इसका कलर और भी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। अडेप्टर की बात कर लेते तो ये देख सकते हो, ये इस एलईडी मॉनिटर का अडेप्टर है, बीच में कोई भी एक्सटेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये वायर है, दैट्स इट। और इसके बाद में फिर आपका इधर लग गया, ये मैंने VGA से कनेक्ट किया हुआ है। पोर्ट की बात करें, HDMI, VGA और पावर का डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, पोर्ट देखने को मिल जाता है। वही जो दूसरी एलईडी मॉनिटर मेरे पास थी, उसका बीच में इस टाइप का ये अडेप्टर था, इसके बाद में फिर आगे ये इस टाइप का जाड़ा सा वायर था, उसके बाद में फिर ये वायर था, इसके बाद में ये कुछ इस टाइप का सॉकेट था, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब है ना जंबल जैसा हो जाता है, आपके डेस्क वगैरह पे बहुत ज्यादा वायर देखने को मिलता है, एज कम्पेयर टू ये वाले को एक बार बस आप इधर रबड़ वगैरह लगा दोगे, दैट्स इट, आपका डेस्क ज्यादा से ज्यादा क्लीन रहेगा। और बैक साइड में चार आपको वॉल माउंट्स के भी दिए गए, स्टैंड वगैरह लगाना तो आप उसे स्टैंड में भी खड़ा कर सकते हो, ये स्टैंड को रिमूव कर दीजिए, डायरेक्ट आप स्टैंड लगा दिए, कुछ इस टाइप का, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मेरी एक और एलईडी मॉनिटर है, सो इसमें मैंने ये स्टैंड लगा दिया नीचे, जो कि पूरा का पूरा मुझे स्पेस देखने को मिल जाता है। अभी मैं जो कि ना डबल वाला वो वाला स्टैंड निकाल दूंगा, और इधर डबल वाला स्टैंड में लगा दूंगा बीच में, और इसमें दोनों एलईडी मॉनिटर रह जाएगी, इससे मेरा डेस्क का स्पेस और भी ज्यादा जो कि बढ़ जाएगा, और ये मैं निकाल दूंगा। वीजा माउंट भी देखने को मिल जाता है, और बैक साइड से कुछ इस टाइप का ओवरऑल आपको देखने को मिल जाता है। थिकनेस की बात करें, काफी ज्यादा पतली आपको ये एलईडी मॉनिटर देखने को मिल जाती है, सिल्की डिजाइन है, बैक साइड से भी मतलब कोई भी आप कहीं भी रख रहे हो शॉप वगैरह पे, तो पीछे के साइड से भी कोई भी देखेगा तो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, इधर से भी आपको काफी पतली एलईडी मॉनिटर देखने को मिल जाती है। तो इधर में आ जाता हूं डिस्प्ले सेटिंग के अंदर, और इधर में आ जाता हूं एडवांस सेटिंग के अंदर, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 1920x1080p, 74 हर्ट्ज, इधर से आप हर्ट्ज भी चेंज कर सकते हो चाहो तो ये देख सकते हो, 60 हर्ट्ज और 74 हर्ट्ज, तो 60 और 74 हर्ट्ज के अंदर ये डिफरेंट है कि स्मूथनेस ज्यादा देखने को मिलती है कुछ भी सर्फ वगैरह करने पर, जैसे कि मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और इधर मैं नीचे स्क्रोल कर रहा हूँ, तो कुछ भी चीज आपको जैसे कि मतलब एक ब्लर रहता है 60 हर्ट्ज में, हल्का हल्का ब्लर देखने को मिला, जब आप 60 हर्ट्ज यूज कर रहे हो ऑलरेडी तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, जब आप 75 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के अंदर जाओगे, फिर 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के अंदर जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का मतलब डिफरेंट रहता है। तो इधर हम सेटिंग कर रहे थे, ये फुल HD का ऑलरेडी मैंने सेटिंग रखा हुआ है, और इधर आप देख सकते हो कलर वगैरह की क्लैरिटी, तो ये कुछ इस टाइप का ओवरऑल कलर देखने को मिल जाता है, काफी बेहतरीन कलर की क्वालिटी है और एकदम ब्राइट कलर है, ऐसा नहीं कि है ना कलर में डिफरेंट है। और आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, जैसे कि आप अपने कैमरे मतलब आपका महंगा वाला कैमरा है जैसे 1 लाख 1.5 लाख का, तो क्या होता है हल्की वाली जो डिस्प्ले रहती है इसके अंदर ये इशू आता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ और कलर दिख रहा है, डिस्प्ले के अंदर कुछ और कलर दिख रहा है, तो इसमें काफी ज्यादा वो डिफरेंट हो जाता है, और जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे तो आपको लगे यार डिस्प्ले के अंदर तो कुछ और कलर दिख रहा है, तो इसको आप एडिट करके दूसरा कलर कर देते हो कि मतलब आपके मोबाइल में जैसा दिखे, और वही इसके बाद में एक्सपोर्ट करके आप मोबाइल में देखते हो तो वो और भी ज्यादा अलग कलर हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो भी मोबाइल में वीडियो दिखता है वो सेम कलर ही आपको इस डिस्प्ले के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो वीडियो एडिटिंग वगैरह करो तो सेम आपको कलर देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। सो ये चीज बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आपको टोटल है ना 5 की देखने को मिल जाती है। अभी मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा आगे ले लेता हूं और जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल है, और इधर से मैं ट्राई करता हूं नीचे से दिखाने का। सो ये देख सकते हो, ये आपको टोटल 1, 2, 3, 4, 5 की दिए गए, क्लिकेबल की है, कोई भी टच वाला की नहीं है। तो इधर जो बीच में लाइट है तो ये इंडिकेटर है कि मतलब इसका जो बीच वाला क्लिक करोगे तो आप मेन्यू के अंदर आ जाओगे। अब इधर आपको सबसे पहला जो एरो दिए गए, इन एरो के नीचे ही की है, तो इधर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इधर आप इस तरह डार्क रूम, तो आप रात के टाइम पे यूज करो, अब ये एरो पे प्रेस करूंगा डार्क रूम मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, रीडिंग में RGB में डिफरेंट डिफरेंट आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो जैसा चाहे वैसा मोड कर सकते हो। और बैक आ जाता है, उसके बाद में फिर से मेन्यू के अंदर आता हूं, कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस को कम करना, ये मैंने एकदम कम ब्राइटनेस रखा हुआ, तो भी आप देख सकते हो इतना बेहतरीन आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। सो इधर आपको
आपको ब्राइटनेस को बढ़ाना है तो जितना अच्छा है उतना आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। मैं फिर से बैक आता हूँ और मेन्यू पे और बीच वाले पे प्रेस करने पे कॉन्ट्रास्ट पे आ जाएगा, तो कॉन्ट्रास्ट से जो कि इसका डार्कनेस हो गया कलर वगैरह थोड़ा ज्यादा हो जाता है, सो वो आप बढ़ाना चाहते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा सकते हो। फिर से मैं आता हूँ, इधर पोर्ट्स का ऑप्शन है वीजीए और एचडी में, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है अभी वीजीए कनेक्ट किया होगा, एचडी में कनेक्ट करूँगा तो इससे और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा आपका ग्राफिक कार्ड वगैरह, तो और भी अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा इस डिस्प्ले के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला ऑप्शन है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पिक्चर कलर परफॉर्मेंस ओएसडी सिस्टम इन्फॉर्मेशन। मैं वन बाय वन एक एक को नीचे कर देता हूँ। तो कलर के अंदर आप इसका कलर वार्म हो गया या फिर गामा जो भी है वो आप चेंज कर सकते हो। परफॉर्मेंस के अंदर आपको है ना इसका जैसे कि रिफ्रेश रेट नंबर्स हो गया और ये वन ड्राइव वगैरह नॉर्मल, तो ये भी चेंज कर सकते हो। ओएसडी के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, लैंग्वेज ओएसडी टाइम ट्रांसपेरेंसी और ओएसडी लॉक करके सिस्टम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन भी देखने को। इन्फॉर्मेशन के अंदर 75 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है, 1920x1080p फुल एचडी डिस्प्ले और वीजीए का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो कुछ इस टाइप के आपको ओवरऑल मेन्यू इसके अंदर दिए गए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे टिल भी कर सकते हो, तो आपको ये चीज भी इस एलईडी मॉनिटर के अंदर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल काफी अच्छी मॉनिटर है ये प्राइस रेंज में, और आफ्टर 3 मंथ बाद में मुझे कोई भी इशू या प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेज़न से परचेस की थी 5299 के, अमेज़न पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर सेम एलईडी मॉनिटर को 6500 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया, ऑफर भी चालू था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।